हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज चलते हैं शिमला के जाकू टेंपल और जानते हैं इस हनुमान मंदिर के बारे में। शिमला हाईवे की स्मूथ वन वे ड्राइव का मजा लेते हुए हम 8 घंटे में दिल्ली से शिमला पहुंचे। शिमला का ठंडा सुहाना मौसम और वहां के सुंदर पहाड़ सैलानियों का मन मोह लेते हैं और ये गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए परफेक्ट जगह है। शिमला के माउंटेन्स, रिज और मॉल रोड की शॉर्ट वीडियोस मैं पहले ही पोस्ट कर चुकी हूँ, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। मॉल रोड के पास ही जाकू पहाड़ी पर स्थित है जाकू मंदिर। यहाँ पर पैदल, गाड़ी या घोड़े से जाया जा सकता है, परंतु अपना समय बचाने के लिए और कुछ एडवेंचरस करने के लिए लोग रोपवे से भी जाना पसंद करते हैं। मॉल रोड से जाकू टेम्पल तक का पैदल 1 घंटे का रास्ता रोपवे से मात्र 6 मिनट में आसानी से तय हो जाता है। 550 रुपये प्रति व्यक्ति आने जाने की टिकट लेकर हम 11वीं मंजिल पर ट्रॉली लेने के लिए पहुँचे। ऊपर पहुँचकर एक वेटिंग लॉन्ज है जहाँ पर अमिताभ बच्चन का वैक्स स्टैचू है और कैफेटेरिया है। पैसेंजर्स को ले जाने के लिए यहाँ एक बार में 2 ट्रॉलीज जाती हैं और 1 ट्रॉली की मैक्सिमम कैपेसिटी 6 पर्सन्स की है। रोपवे से रास्ता तय करके हम जाकू हिल टॉप पर पहुँचे जहाँ जाकू मंदिर स्थित है। इस टेंपल के बारे में अगर हम जाने तो इसका नाम एक यक्ष नामक साधु पर पड़ा है जो यहीं पर तपस्या करता था। यक्ष याकू और फिर बिगड़ कर उसका नाम जाकू पड़ गया। कहा जाता है रामायण काल में जब हनुमान जी लक्ष्मण के लिए संजीवनी ढूंढने जा रहे थे तो इस पहाड़ी पर उतरे और उन्होंने यक्ष साधु से संजीवनी का पता पूछा और वापस लौटते टाइम मिलने का आश्वासन दिया, परंतु किसी कारणवश हनुमान जी इस रास्ते से नहीं लौटे तो यक्ष साधु को उनकी चिंता हुई। उनकी चिंता जानकर हनुमान जी ने अपने आप को उनके सामने एक मूर्ति के रूप में प्रकट किया। यक्ष साधु ने उस मूर्ति को एक मंदिर में स्थापित किया जिसे जाकू टेंपल के नाम से जाना जाता है और मंदिर के पीछे एक कुटिया में जहाँ हनुमान जी उतरे थे उनके पद चिन्हों को संगमरमर से बनवा के रखा गया है। यहाँ लोग दूर दूर से हनुमान जी के दर्शन के लिए आते हैं और उनकी मुरादें भी पूरी होती हैं। यहाँ वे सच्चे मन से आते हैं और खाली हाथ नहीं लौटते। मंदिर के पीछे प्रांगण में ही हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा है जो विश्व में सबसे ऊंची है। इसका अनावरण अभिषेक बच्चन ने 2010 में किया था। जाकू हिल शिमला की सबसे ऊंची हिल है और यह विशाल प्रतिमा शिमला में कहीं से भी देखी जा सकती है। सुंदर पहाड़ और देवदार के वृक्षों से घिरे इस मंदिर का प्राकृतिक सौंदर्य सैलानियों के मन को मोह लेता है। हर साल यहाँ दशहरे का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो जाकू मंदिर के निर्माण की तिथि ज्ञात नहीं है, परंतु इसे रामायण काल के समय का ही बताया जाता है। इस प्राचीन मंदिर का उल्लेख कई पौराणिक कथाओं में किया गया है। यहाँ सैलानियों के लिए कैफेटेरिया भी है जहाँ वे अपना मनपसंद भोजन कर सकते हैं। मंदिर के परिसर में ही रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां हैं जो बहुत ही सुंदर प्रतीत होती हैं। जाकू मंदिर का यह परिसर प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफी के शौकीन पर्यटकों के लिए उत्तम स्थान है। यह मंदिर हिंदू तीर्थयात्रियों और भक्तों के साथ हर उम्र और धर्म के पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ से पर्यटक सूर्योदय और सूर्यास्त के लुभावने दृश्यों का भी आनंद ले सकते हैं। जाकू रोपवे शिमला के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। यात्रा के दौरान आसपास का दृश्य अपनी सुंदरता से हैरान कर देता है। 8,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ से शिमला शहर का दृश्य, हिमालय की चोटियों और घाटियों का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। रोपवे से जाते हुए और प्रकृति के सुंदर नजारों का दर्शन करते हुए हम एक बार फिर से हनुमान जी को शीश नवाते हैं और पुनः उनके दर्शनों की कामना करते हैं। जाकू मंदिर की यह यात्रा और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य मन को अत्यंत सुकून प्रदान करने वाला था।